इसराइल और हमास के युद्ध को आज पूरे 12 दिन हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इसराइल की बमबारी से गाजा में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या मंगलवार को करीब 3,000 हो गई है, जहां गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर हुए हवाई हमले से करीब 500 लोगों की मौत हो गई। इसराइल के हमास और हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले तीव्र हो चुके हैं। हमास के आतंकियों के विरुद्ध इसराइली सेना बराबर गाजा में मिलिट्री एक्शन कर रही है। दूसरी ओर वहीं इसराइल ने लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्ला को भी निशाना बना लिया है। इसराइल के मुताबिक हिजबुल्ला ने इसराइल पर कई हमले किए, जिसके जवाब में इसराइल भी पलटवार कर रहा है। वहीं बता दें, अमेरिकी हमास पर एक नया एक्शन लेने की योजना बना रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यूएस हमास के कई नेताओं पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर सकता है।